भैया ये सामने आप देख रहे हैं ये गुड़हल का पौधा है, और पौधे को तो आप सामने देख रहे होंगे, एक मैंने बाल्टी में लगा रखा है ये पौधा, तो इस पे फूल का तो कोई सम्मारी नहीं है। आप देख रहे होगे इतनी सारी कलियां, और हर एक टहनी पर मतलब कली और फूल ही है इस पे। तो आज इसके बारे में एक जैसी जानकारी दूंगा कि वो केवल 5 रुपये की होगी, और 5 रुपये में आपका पौधे पर ऐसे ही सारे ढेर सारे फूल आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं है। तो इस तरह की जो है मैं गुड़हल के बारे में जो जानकारी दे रहा हूँ, तो आप लोग अगर किचन या गार्डन में किसी बाल्टी में अगर आपका गुड़हल का पौधा लगा हुआ है, तो आप इस तरह के फूल बिल्कुल हमेशा के ले सकते हैं। और ये पौधा जो होता है ये गुड़हल का, वो 12 मासी फूल देता है, बीच बीच में कभी कभी रुक जाता है, तो उसके बारे में आपको बताऊँगा कि आप जैसे ज़्यादातर फूल लेने चाहोगे तो वो किस जानकारी से और किस तरकीब से लोगे, जिससे हमारे पौधे पर 12 महीने फूल आ जाए। क्यों क्या बहुत से होते हैं कि जैसे एक समय ऐसा होता है कि इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो इस समय तो पौधे पे ज़्यादातर फूल आते ही आती है। जो ओवरलैंड पे टाइम होता है जैसे सर्दियों का मौसम होता है, और बरसात में भी इस पे फूल आता है, तो उसमें भी आपके फूल आएंगे, मगर ज़्यादा नहीं आएंगे तो 10-5 ज़रूर आएंगे। तो आज इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको, किस तरह की देखभाल करनी चाहिए और किस तरह से इसकी कटाई छटाई करनी चाहिए भैया। और पौधे को बनाने का एक ही तरीका होता है कि जैसे अभी आपका गुड़हल का पौधा जो मेरा आप सामने देख रहे हैं, इसमें मैंने कुछ ऐसा नहीं कराया कि जैसे कोई केमिकल या कोई देसी वैसा कोई डाला हो, कुछ भी नहीं कराया। बस खाली मैंने मिट्टी का और जो मैंने जो चीज़ आपको बताऊँगा उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, मगर अधिकतर यही होता है कि इसकी देख रेख में जो होता है कि जैसे फूल तो खिल गया, अब पौधे की जो होती है जैसे हमने देख लिया कि पौधे पर फूल तो आ गए, अब जो जैसे ही फूल आ गए तो पौधा जो होता है कि ये फूल जो हमारा पक गया, आप सामने देख रहे हो, तो ये पक गया फूल, तो ये जो बराबर में निकलना है ये तो खिलेंगे ही खिलेंगे। तो हम उस तरह की जानकारी देंगे जैसे आपका पौधे पर बराबर फूल आते रहे, तो वो आपको एक ही तरीका अपनाना है कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जैसे सामने जो जैसे फूल है, जैसे मेरा ये फूल झड़ गया ये वाला आप सामने देख रहे हो, तो ये झड़ा जब ये फूल बिल्कुल झड़ जाता है, तो या तो यहाँ से इस तरकीब से इसे यहाँ से निकाल दूँ कैंची से, बिल्कुल फूला सूखा हुआ फूल गुड़हल का होता है, वो कैंची से आप बराबर से निकाल दो, और जब आप फूल निकाल दोगे तो यहाँ के बराबर से ही ये दोबारा कली देनी चालू कर देगा और पौधे पर फूल बनना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम लोग फूल जो लेते हैं 12 महीना, तो इसके बीच बीच में महीना में 15 दिन में, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमें तो देखभाल ही पौधे की करनी पड़ती है। तो मैं आपको अपनी जानकारी के द्वारा यही बताने जा रहा कि जैसे गुड़हल का पौधा पे जैसे ही आपकी डुग्गी देख रहे हो कि हाँ हमारी डुग्गी ज़्यादातर तेज़ भाग रही है, इस पर फूल नहीं आ रहा है, तो आपको बीच बीच में इस तरह से छोटी छोटी टहनी जो निकलती है इसकी, वो आप काट दो हल्की सी, और जैसे ही वो करनी जहाँ से निकलेगी उसी पर तुरंत फूल बनना चालू हो जाएगा। तो आपको बीच बीच में इतना काम जरूर करना है। और गमले में पौधा जब चलता है, क्योंकि ज़मीन में जो होता है वो गुड़हल का पौधा एकदम से तेज़ी से भाग जाता है, क्योंकि उसे पूरी खुराक मिलती है, और गमले में जो पौधा हम लोग चलाते हैं तो वो कटाई छटाई के हिसाब से ही चलाते हैं, क्योंकि हल्की हल्की जो कलियाँ होती हैं वो हम मारते रहते हैं। जैसे ही हमने पौधा देखा तो आप लोगों को बताया, जैसा अभी ये पौधा आप सामने देख रहे हैं इस पर कलियाँ तो हैं, अब ये फूल भी देखो अपने आप ही झड़ गया, अब ये खाली जो इसमें से जैसे ये फूल निकला है तो अब इस पर दोबारा तो बनेगा नहीं, क्योंकि वो किसी प्रकार से बन ही नहीं सकता। तो जैसे ये फूल जो है वो हमने एक लंग को रख दिया, और ये खाली जो आपकी जो टंडी देख रहे हो, तो इस तरकीब से हम जो है इसे यहाँ से निकाल देंगे इस पर, क्योंकि इसका फूल तो झड़ चुका, ये सामने आप देख रहे हो, तो इस तरीका से ये झड़ गया फूल, तो जैसे ये इसमें से निकल जाता है जैसा अभी देखा, तो ये निकल गया और ये भी डंडी पक गई, तो इससे हमने ये निकाल दिया। अब जैसे ही ये निकाल निकाल का अलग डाल देंगे ना, तो हमारा पौधा बिल्कुल नया का नया बना रहेगा, और बराबर में कंचियाँ देता रहेगा, हल्का पौधा रहेगा और फूल 12 महीने देगा। तो आप लोगों को भैया बीच बीच में ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, और गुड़हल के पौधे पर जो है फूल बराबर चलता रहेगा। जैसे ही एक साल में कटाई छटाई का जो मौसम होता है, जैसे फरवरी में हम लोग काट देते हैं और कुछ बरसात में भी काट देते हैं पौधे को, तो हम जो कटाई जो करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। आप जो सोचा कि होगा आपने तो करा नहीं है काम, तो कहेंगे कि भाई हम कैसे करें, तो मैं इस वीडियो में इसी मारा बना रहा कि देखो जैसे मैं आपको इसमें दिखा दूंगा कि आप लोगों को इस तरह से
कोई भी टह नहीं है। जैसे अभी मैंने इसकी कटाई छटाई तो पहले ही कर दी, तो जैसे जैसे मैंने ये जगह जगह से काटा है, आप देख रहे होंगे, देखो ये भी यहाँ से मैंने काटा है, और देखो सामने यहाँ से भी ये काटा है, और देखो यहाँ से भी मैंने ये काटा है, जैसे आप जो ब्रांचेज देख रहे हो, तो ऐसे जो बीच बीच में मैंने पहले ही काट दिया, तो इस वजह से ये पौधा जो है घना और बढ़िया फूट का आ गया। और जब जो इतनी छोटी छोटी कल्ली से ही फूट का आ गया, तो इतनी छोटी पे ही फूल आ जाता है। जब जो सांकें ज़्यादा लंबी हो जाती हैं तो पौधा अच्छा तो लगता नहीं है, क्योंकि वो जब ज़्यादा लंबा होगा तो फिर इतनी लंबी सांक पे फूल आएगा। तो आपको जो मैंने खटाई छटाई के बारे में बताया, तो छोटी टहनी से ही जो फूल आता नहीं है, तो गमले की सुंदरता बन जाती है और पौधा हरा भरा रहता है। तो इसके बारे में मैं इसीलिए बता रहा कि जैसे मैंने कटाई छटाई के बारे में बताई आप लोगों को, जैसे फरवरी का महीना और फिर मैंने बरसात के बाद भी बताई है, तो जिस तरह से जो मैंने काट दिया है पौधे को, तो अब जिसकी छोटी छोटी शाखा निकल रही हैं, और जैसे ही छोटी छोटी निकलेंगी तो इस पर तीन तीन चार चार पाँच पाँच कलियाँ, एक एक आप देख रही होगी सामने कि कितनी सारी कलियाँ। अब जिस पर ये फूल है, अब इसके चार चार फूल तो इस पर यहाँ से ही बनने चालू हो जाएंगे। तो छोटे से ही पौधे से अगर आपको फूल लेना है गुड़हल का, तो बीच बीच में भैया ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी। और रही फिर आपको पानी की बात, तो गुड़हल का पौधा जो होता है पानी की मात्रा क्षमता के अनुसार झेलता है, तो अगर ज़्यादा भी अगर पानी डालोगे तब भी वो फूल रोक देगा गमला में, ये बात भी मैंने खूब देखी है। अगर कम डालोगे फिर भी रुक जाएगा, क्योंकि जैसे ही गमला की नमी ख़त्म हो, जैसे हमने नराई गुड़ाई कर दी और नमी कम हो जाए, तो आप गमला की क्षमता के ऊपर पानी डालते रहो, और तुमने ज़्यादा पानी अगर इसमें भरने की कोशिश करी, तो जैसे ही ज़्यादा पानी भरोगे तो गुड़हल के पौधे पर फूल आना कम हो जाएगा और वो किल्लियाँ देनी बंद कर देता है पौधा, क्योंकि जितनी खुश्की मिलनी चाहिए पौधे के, जैसे हमारी कल्ली फूट रही है, और जब फूट आएगी और जब वो घुंडी बननी चालू हो जाएगी तो फूल हमारा तुरंत आने चालू हो जाएगा। तो मेन चीज़ जो होती है गमले में जो गुड़हल का पौधा चलता है, वो पानी के डिपार्ट के ऊपर चलता है, जितनी वाटर लेवल का हिसाब होता है पानी का, तभी वो फूल बढ़िया देता है गुड़हल का। अभी एक साल तक जो मैंने फिट कर दिया, अब जो बरसात तक बराबर फूल देगा। जब मैंने देखा इसकी जान निकल जाएगी मिट्टी की, जब इसकी मिट्टी की जान निकल जाएगी, तो इस बाल्टी को मैं खाली कर दूंगा तुरंत, बरसात के बाद में तुरंत कर दूंगा खाली। और जैसे ही तुरंत खाली करूंगा, तो आप लोगों को मैंने बताता हूं कि जैसे ही घूर की गली हुई खाद होती है, कुछ पत्ते वाली खाद भी होती है मेरे पास, तो क्योंकि हम पत्ते की खाद बना लेते हैं लोग, तो वो पत्ते वाली जो होती है बहुत फोकी खाद होती है, उसमें कुछ मिट्टी भी मिला लो और कुछ देसी खाद मिला लो, और मिला कर चारों तरफ से और एकदम गमना को निकालो और दोबारा फिर इसे भर कर रख दो। तो ये हमारा जो है मिट्टी का चेंज करने का काम होता नहीं है, तो पौधे की जान भी बढ़ती रहती है और बारह महीने फूल देती रहती है। और फूल का कोई सा भी पौधा हो, जितनी मिट्टी में जान होगी उतना ही फूल पौधा देगा। हम घर पे जो लगाते हैं किचन गार्डन पे पौधा, तो बहुत से जो ऐसे होते हैं कि उन पर कुछ फूल के होते हैं, कुछ शो प्लांट के होते हैं, तो वो तरीका तो होता है सबका लगाने का, कि ऐसी कोई कोठी नहीं है जिस पर का 10 20 या 50 40 गमला नहीं हो, वो बड़े बड़े अच्छे गमला हैं, तो उनके यहाँ बस एक ही बात मैंने देखी है कि वहाँ पर इस्तेमाल जो चीज़ का करना चाहिए वो नहीं कर पाते। क्यों कि पौधा जो फूल का जो होता है उसे तो चाहिए पक्की धूप, कोई सा भी पौधा हो, जो फूल का पौधा होगा वो तेज धूप में ही फूल देगा। और आपने किसी गैलरी में लगा दिया, अभी मैं एक यहाँ गया तो उसने गैलरी में तो पौधे लगा दिए, अब कह रहे हमारे पे वो फूल ही नहीं आ रहे। जब मैंने देखा तो मैंने, यार भैया यहाँ पर जब तुम छाव में पौधा बेले का लगा रखा है तो मैं इनकी फूल ही कहाँ से आ जाए, मैंने कि इसका कुछ स्थान बदल दो, इसका ऊंची जगह पर रख दो, धूप में रख दो, फूल आ जाएंगे। वो तुरंत फूल आ गए उस पर, कह रहे भैया ये बात तो सही लगी। तो फूल का पौधे को जो होता है वो धूप ही चाहिए इसे, और ऐसा भी नहीं हो कि धूप आ रही हो और यहाँ पर वायु और हवा नहीं लग रही हो पौधे को, अगर धूप में तो रख दो और मान लो चारों तरफ से बंद है तब भी फूल कम आता है पौधे पे, कम से कम वातावरण और हवा तो मिलनी चाहिए पौधे को, फूल वाले को। और जैसे वैसे प्लांट होते हैं, जैसे एलोवेरा, एलोवेरा का पौधा है, इसमें एक प्लांट है, इन पौधों को कहीं अभी रख दो, गैलरी में रख दो, इन पर बराबर सो देती रहेंगे और चलती रहेंगे। जैसे बीच बीच में मैंने आप लोगों को इस गुड़हल के बारे में बता रहा, तो आप लोगों को एक तरकीब जैसे अपनाना है, जैसे मेरे पास ये 1000 है, तो जैसा आपके पास में 10 पौधे हैं गुड़हल के हैं और भी पौधे हैं, तो इस समय जो है बहुत तेज भाटा पड़ता है और हवा भी लू और बहुत चलती है, तो इस पर बहुत सारा गर्दा आ जाता है,
तो आप लोगों को सुबह ही अगर कोई कैब वगैरह हो या आ जा रहा हो तो आप लोगों को इस तरह से इसे निलाना पड़ता है। जैसे मैंने ये हिला दिया, देखो इस तरीके से इसे पक्का करके इस तरीके से निला दो। इसकी पत्तियां बिल्कुल साफ और सुथरी बनी रहेंगी जिस तरीका से मैंने ये निला दिया। तो आप बीच बीच में, वैसे तो ये अगर शाम और सुबह में भी कर दोगे नहीं तो आपका पौधा बिल्कुल हरा और भरा बिल्कुल भी तैयार बना रहेगा। तो भैया इस तरह से आपको अगर निलाने में पौधे पर अगर कोई वो है तो आप निला दो। तो इस तरकीब से मैंने ये निलाया है। आप बीच बीच में इस तरकीब से रोज निला लो गुड़हल के पौधे, और तो गुड़हल का ही नहीं और भी पौधे हों उसे भी निला दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कि इस समय भाटे में जितना भी पौधे को आप निलाओगे तो एक तो बीमारी से बचेगा और जो गर्दा होगा वो भी धुलता रहेगा और आपका जो फूल है वो भी सुंदरता बनाता रहेगा, इस पर कोई भी गंदगी नहीं रहेगी। डेली अगर आप जिस तरीका से छिड़काव मैंने कराया, अगर आप लोग जिस तरीका से डेली छिड़काव करोगे तो जो सफ़ेद वाला जो कीड़ा बनता है इसकी कली पे वो भी बहुत नाके बराबर ही लगेगा, और नहीं तो लगेगा ही नहीं किस प्रकार से अगर रोज़ छिड़काव हो रहा है जब। तो उसकी मैंने एक यही बात मैं आप लोगों को बता रहा कि जैसे आपने धुलाई कर दी और जो जैसे वो कीड़ा बरसात में तेज़ी से जो पकड़ता है, जैसे गुड़हल पर आप देख रहे हो सामने, तो जैसे वो कीड़ा अगर पकड़ ले किसी प्रकार से, तो मैंने एक ही दवा का इस्तेमाल करा है कि जो सिंगाड़ा होता है ढेरों में पड़ा हुआ होता है सिंगाड़ा, तो सिंगाड़े वाला एक पाउडर आता है, तो उस पाउडर को लगभग करीब में एक चम्मच किसी में घोल लो, और एक चम्मच घोलने के बाद में, और छोटी छोटी मशीनें आ रही हैं तो उस पर कलियों पर वो पाउडर आराम से छिड़क दो इस तरीके से। जैसे मेरे पास ये वाली मशीन है आप सामने देख रहे हो, तो ऐसी मशीन में भर लो और वो सिंगाड़े वाला जो पाउडर होता है वो इतना तेज होता है कि उस वो कीड़ा जो होता है वो नन्हे वाला जो सफ़ेद जो लगता है तो वो कलियों पर लगता है ज़्यादातर, तो पौधे पर घिनयावना और अच्छा नहीं लगता। तो आप बीच बीच में इस तरकीब से उसका छिड़काव कर दो ऐसे तरीका से, और जैसे ही वो कर दोगे तो वो कीड़ा उससे तमाम एक ही दम से ख़त्म हो जाएगा और पौधा आपका हेल्दी और सुंदर बना रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ भैया, जे मैंने आप बताया कि जैसे ज़्यादा फूल लेने के लिए मैंने कौन सी खाद का इस्तेमाल करा है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सामने भैया जी मेरे पास जो है एक जो जाम वाली खाद है, तो इस चीज़ का मैंने इस्तेमाल करा, तो ये वैसे तो बाज़ार में 100 ग्राम ले लो तब भी मिल जाती है 5-10 रुपये की, और चाहो तो आधी किलो 1 किलो रख के रख लो अगर 5 पौधे 10 पौधे है, तो ये इतनी उपयोगी खाद होती है कि इससे अगर एक चम्मच अगर एक पौधे में अगर आप बराबर में 15 दिन या 20 दिन के अंतराल में डालते रहोगे तो आपका पौधे पे जिस तरह के जो फूल इस पर आ रहे हैं, तो वो इस बात का मैं अभी कह रहा हूँ कि ये फूल हमेशा आपके पौधे पे आना चाहिए। क्यों कि यही चीज़ का मैंने इस्तेमाल करा है इस पौधे पे। तो भैया जी लगाने का जो तरीका होता है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे पौधा को इस तरीके से मैंने ये आपके सामने नराई गुड़ाई करता हूँ जिस तरीका से, इसकी जितनी भी घास फूस है वो सब हटा दूँगा मैं, और घास फूस हटाने के बाद में अब जो मैंने सारी घास फूस हटा दी इसके बारे में भैया जो बिल्कुल घास फूस हटा के और ये गमला मैंने नरा के फिट कर दिया, क्योंकि इसके गमले के अंदर जो है जितनी नराई गुड़ाई हम लगभग करीब में 1 इंची या 1.5 इंची के बीच में करते हैं। अब मैंने एक पौधे के लिए देखो इतनी सी ले ली है ज़रा करीब में 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, क्योंकि पौधा हेल्थी और बढ़िया है। अगर छोटा पौधा होगा तो 1 ही चम्मच डालनी है, अगर बड़ा पौधा हो तो आप 2 भी चम्मच करते हो 3 भी चम्मच इस्तेमाल कर लो इस जाम से, क्योंकि ये पौधा को ख़राब नहीं बनाता ये मुझे मालूम है। तो इस तरकीब से आप बीच बीच में इस गमले में डाल दो इस तरकीब से भी मैंने डाल दिया, और डालने के बाद में इस तरकीब से इसे बढ़िया करके नराई गुड़ाई बढ़िया करके कर दो, और इस तरकीब से मैंने ये मिलो दिया। और मिलोने के बाद में भैया अब आपको देखना है कि ये करना जब ये जैसे गमला खुशक है जाना चाहिए, खुशकी हो, ये नहीं है मट्टी मुलाम हो, जैसे गमला खुशक है ये। अब जो मैंने नराई गुड़ाई कर दी, अब इसे जाम का इस्तेमाल कर दिया, ये वाला ये देसी वाली है। अब इसे करने के बाद ना आप जैसे ही इतना मोटा गमला हो, बड़ा हो या छोटा, उसी हिसाब से इसके अंदर पानी भर दो। तो भैया देखो मैंने इस तरकीब से इसके अंदर अब जो है पानी भर दिया बिल्कुल। अब ये समझ लो का इस गमले में इतना ही दम बढ़ गया जैसे मैंने ये चीज़ सारी करी है, तो इस तरकीब से बिल्कुल फूल हमेशा आती रहेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो मैंने आपको बीच में बता ही दिया है कि जैसे ही जो पौधा बढ़िया चल रहा है और जैसे ही बरसात के लास्ट में
आप चाहो तो जिस तरकीब से मैंने आपको कटाई छटाई बताई है उसी तरकीब से आप करते रहो, आपका पौधा बिल्कुल हमेशा के लिए बढ़िया चलता रहेगा और सुरक्षित चलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भैया लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो।